इस मोमबत्ती के सामने बाकी तमाम रूम स्प्रे खाक बराबर भी नहीं है। इंतहाई खूबसूरत मोमबत्ती है, बिल्कुल कम खर्च में बनती है और इससे आपका पूरा कमरा खुशबू से महक उठेगा। आप सोच रहे होंगे कि इसे बनाना बहुत मुश्किल है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं, ये बहुत आसानी से बन जाती है। सबसे पहले हमें इस तरह से एक लार्ज साइज का लीमू चाहिए। अब इसकी एक साइड को इस तरह से छुरी की मदद से काट लेंगे। आपके घर मेहमान आ रहे हो तो आप ये मोमबत्ती डेकोरेशन के तौर पर बनाकर रख सकती हैं। अब हमें चाहिए ढेर सारे लौंग। लौंग हम इस तरह से नींबू के ऊपर लगा देंगे। एक तो लौंग से डेकोरेशन हो जाएगी, दूसरा इसकी खुशबू लाजवाब होती है। तो इस तरह से ढेर सारे इसके ऊपर हम लौंग लगाएंगे। ये देखें, हमने लीमू के ऊपर लौंग लगा लिए हैं। अब हम लीमू का ऊपर वाला हिस्सा लेंगे और इसके ऊपर भी इस तरह से ढेर सारे लौंग लगाएंगे। अब हम एक मोमबत्ती लेंगे और इसको लीमू के अंदर इस तरह से लगाएंगे। बिल्कुल सेंटर में आपने इसको लगाना है। अब हम इस तरह से स्कीवर्स या फिर स्टिक्स लेंगे और इनको लीमू के चारों तरफ इस तरह से लगाएंगे। हम यहाँ पर चार स्टिक्स लगा रहे हैं। लीमू के ऊपर वाले हिस्से को इस तरह से इसके ऊपर फिट कर लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें, खूबसूरत खुशबूदार मोमबत्ती बनकर तैयार हो चुकी है। इस कैंडल को अब हम जलाएंगे। जैसे जैसे लौंग तक मोमबत्ती की हीट पहुंचेगी, खुशबू फैलना शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे कि 2 से 3 मिनट के बाद आपका पूरा कमरा खुशबू से महक उठेगा। अगर कैंडल की ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।